गुड मॉर्निंग क्लास वन। आज हम आप लोगों को दीपिका पुस्तक में पाठ 13 कुआ सबेरा लेसन पढ़ाएं। देखिए ये लेसन 13 लिखा है और ये लेसन नेम लिखा है ना, पाठ का नाम कुआ सबेरा। ठीक, आप ये पिक्चर भी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं ना। परिचयात्मक प्रश्न है, सबेरा कब होता है? जब रात खत्म होती तब सबेरा होता है ना। जब रात खत्म होती है तब सवेरा होता है। ठीक, सवेरा होने पर वातावरण में कैसा परिवर्तन हुआ दिखाई देता है? सवेरा होने पर वातावरण में परिवर्तन होता है, जब ये परिवर्तन होता है कि जब रात खत्म होती है तब सवेरा होता है और दिन निकलता है, लोगों के सारे काम स्टार्ट होते हैं, सारे काम शुरू करते हैं। हम लोग रात में तो सो जाते हैं ना, जब सुबह होता है तभी काम करते हैं ना। बालकों को प्रातःकाल शीघ्र उठने, देर तक सोकर समय ना खोने व प्रातःकाल के दृश्य देखकर आनंदित होने की प्रेरणा देना। आप देखिए सुबह हुई है, ये देखिए सुबह हुई है, आपको देखिए सूरज उगता दिख रहा है, मंदिर में पुजारी जी भी बैठे दिख रहे हैं, ये आदमी लकड़ी काट के जा रहा है, औरत कुएं से पानी भरे ना। रात में तो कोई कुएं से पानी नहीं कि रात में 12 बजे कोई भरेगा, मार दीजिए रेयर केस में कभी जरूरत पड़ जाए, वो बात और है। ठीक, तो इसलिए सुबह होने पर रात खत्म होती है, सुबह होने पर सारे काम हमारे स्टार्ट होते, मतलब शुरू होते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रातःकाल शीघ्र उठने के क्या लाभ हैं? जब आप देखिए, जब आप सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, तो आप में एक्टिविटी रहती है, आपका शरीर एकदम चुस्त रहता है, आप में आलस नहीं। जब आप देर से सो के उठते हैं कहीं सर दर्द होता है, आलस आता है ना, और जब आप मॉर्निंग उठते हैं, जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करके, तो आप एकदम एक्टिव रहते हैं ना। जल्दी उठने से आपके शरीर में एक्टिविटी रहती है। देखिए आप देख रहे हैं ना, इतने काम हुए सवेरे, इधर से पुजारी जी मंदिर जा रहे हैं, कोई पूजा करने जा रहे हैं, देखिए थाल में प्रसाद रखा है, जल रखा है, लोटे में पानी रखा है, उसमें चम्मच पड़ी ना। तो सवेरे देखिए, रात में दिया बत्ती का, लेकिन सुबह उठ के नहाने धोने के बाद फिर भगवान जी की पूजा करते हैं। घर में लोग घर में भगवान जी की करते हैं, मंदिर में पुजारी जी करते हैं, लोग सुबह सुबह दर्शन करने भी जाते हैं नहा धो के। ठीक, अब हम लोग पोयम पढ़ेंगे। क्या पोयम पढ़ेंगे? हुआ सवेरा। हुआ सवेरा दूर हुआ जग का अंधियारा। हुआ सवेरा, हुआ सवेरा मतलब सुबह हो गई, सुबह हो गई और रात का अंधेरा, सारे जग का, सारे जग माने संसार होता है ना, सारे जग का अंधेरा दूर हो गया। देखिए एक ही तो सूरज होता है, एक ही चंद्रमा होता है, कोई हर शहर के हर देश के अलग अलग सूर्य चंद्रमा तो होते नहीं, सूर्य चंद्रमा एक ही होते। और रात हुई तो फिर सुबह हुई तो सारा अंधेरा दूर हो गया, दूर हुआ जग का अंधेरा, संसार का अंधेरा दूर हो गया। सूरज अपने रथ पर आया, सूरज अपने रथ पर आया, चहुं ओर उजियारा लाया। चहुं ओर मतलब चारों ओर, मतलब सूरज अपने रथ पे चढ़कर आया। जब सूरज आसमान में निकल सकता है ना, जो कोई रथ पे सवार हो इतना ऊंचा दिखता है, सूरज अपने रथ पर आया, चहुं ओर उजियारा लाया। सूरज अपने रथ पर चढ़ा और चारों ओर उजियारा मतलब उजाला लेकर आया। पेड़ों ने भी ली अंगड़ाई, मंद मंद चलती पुरवाई। पेड़ों ने भी ली अंगड़ाई, मंद मंद चलती पुरवाई। मंद मंद मतलब धीरे धीरे। ठीक, पुरवाई में पूरब से चलने वाली हवा, पेड़ों ने अंगड़ाई ली और धीमे धीमे पूरब से चलने वाली हवा चलने लगी। ओस की बूंदे हरी दूब पर, ओस की बूंदे हरी दूब पर, मोती जैसे शीश महल पर। शीश महल मतलब कांच का घर, महल माने घर होता है, कांच का महल, शीश माने कांच, कांच या शीशा, कांच का महल। ओस की बूंदे, आप
आप मुझे जानते हैं कि जब आप रात के बाद सुबह उठते हैं, जब हल्की सर्दी होती है तो जमीन थोड़ी भीगी भीगी रहती, पेड़ों पर छोटी छोटी पानी की बूंदे पड़ी रहती, वही ओस की बूंदे होती, लगता है कि पानी वही ओस की बूंदे होती है। ओस की बूंदे हरी धूप पर, धूप जो घास होती है ना उसके ऊपर हरी घास पर ओस की बूंदे पड़ी हैं, मोती जैसे शीश महल पर, और शीश महल जैसे मोती की तरह चमक रहा है क्योंकि उसके ऊपर धूप पड़ रही है। शीशे पे धूप पड़ती है, चमकता है ना, आंख में एकदम लगने लगता है। ये देखिए, आप ये पिक्चर देख रही हैं ना, बच्चा सो रहा है, मैं उसको जगा रही हूँ, आराम से सो रहा है। चूचू करती चिड़िया आई, घर आंगन में ले अंगड़ाई, मुन्ना तू अब भी सोता है, ऐसा समय तू क्यों खोता है। माँ कह रही है कि चूचू करती, मतलब चिड़िया चूचू करती ना, कि चूचू करती चिड़िया आंगन में घूम रही हैं, अंगड़ाई ले रही हैं, मुन्ना तू अब भी सोया है, ऐसा समय तू क्यों खोता है, इतना अच्छा समय सुबह। देखिए आज सुबह सो के उठिए, इधर सूरज निकलता दिखता है, अच्छा अच्छा वातावरण रहता है, सुबह धूप तेज नहीं होती है, कितना अच्छा लगता है एकदम सुबह सुबह भोर में आप सो के उठे। तो वही उसकी माँ कह रही हैं, मुन्ने की माँ, चूचू करती चिड़िया आई, घर आंगन में ली घर आंगन में ले अंगड़ाई, चिड़िया चूचू करती घर आंगन में घूम रही हैं, अंगड़ाई ले रही हैं, मुन्ना तू अब भी सोता है, ऐसा समय तू क्यों खोता है। तो मुन्ना आप मत सो, इतना सुंदर समय मत खो, जल्दी से सोकर उठ जाओ। बिस्तर पर तू लेटा लेता करवट, सुन ले तनिक भोर की आहट। माँ कह रही है कि तू बिस्तर पर करवट ले रहा है, थोड़ा सा तनिक भोर मतलब सुबह सूर्योदय का समय, जरा सूर्योदय के समय की आहट भी तो लेके उसके बारे में भी तो जान के देखो कि कितना अच्छा लग रहा है जब एकदम सूरज सुबह सुबह निकलता रहता है, लाल लाल रहता है बेटा, तो बहुत सुन के देख के अच्छा लगता है और मन को बहुत शांति मिलती है। सुबह सुबह दोपहर में सूरज देख के लगता है हाय बड़ी गर्मी, हाय बड़ी गर्मी, लेकिन एकदम आप जब उगता सूरज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वही माँ कह रही है, बिस्तर पर तू लेता करवट, सुन ले तनिक भोर की आहट, कि तू बिस्तर पर लेट के करवट ले रहा है, थोड़ा सा जरा थोड़ा भोर की सूर्योदय की आहट भी तो ले ले, सुबह की भोर की आहट ले लो, कितना अच्छा लग रहा है। तू जो अब भी ना जागेगा, समय छोड़ तुझको भागेगा, अगर तू अब भी नहीं जागेगा तो समय तुझको छोड़ के चला जाएगा, इतना अच्छा सुबह का समय आपका इंतजार नहीं करेगा, आप ऐसे ही सोते रह जाना। बेटा समझ में आई आपने कविता, ये कविता आपको याद करनी है। क्या है कविता का नाम? हुआ सवेरा। क्या हमने पढ़ा है कविता? हुआ सवेरा। हुआ सवेरा कविता अनिल कुमार शर्मा ने लिखी। अगर आपसे कोई पूछे, जब भी आप कोई लेसन पढ़ते हैं, पोयम पढ़ते हैं, नीचे राइटर नेम होता है तो उसको लेखक का नाम, इंग्लिश में कहते हैं राइटर, तो उसको आपको जरूर लर्न करना होता है, ठीक है। तो ये कविता किसने लिखी? अनिल कुमार शर्मा ने। आपसे कोई पूछ ले, मैं ही पूछ लूँगी कि हुआ सवेरा कविता किसने लिखी है, तो आप अगर लर्न कर लेंगे तो आप फट से बता देंगे कि हुआ सवेरा कविता श्री अनिल कुमार शर्मा ने लिखी है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बेटा? पूरी पोयम आपको लर्न करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं ना, शब्दार्थ लिखा है ना, क्या लिखा है? शब्दार्थ। मैं आप शब्दार्थ बोलूंगी, आप भी मेरे साथ बोलेंगे, ठीक। फिर इसको पीडीएफ से निकाल के कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जग, जग माने संसार, अंधियारा अंधेरा, चहूं चारों, उजियारा उजाला मतलब दिन, मंद धीरे, पुरवाई पूरब से चलने वाली हवा, दूब हरी घास, शीश कांच शीशा, तनिक जरा थोड़ा, भोर सूर्योदय का समय। अब देखिए अभ्यास का लिखा है ना बेटा, का सही विकल्प के आगे सही लगाइए, ठीक। नंबर वन, सूरज अपने डैश पर आया, हाथी घोड़ों रथ, सूरज किस पे आया? सूरज अपने रथ पर आया है ना पोयम में, तो सा में टिक लगाइए रथ, और इसको यहाँ पे लिखिए, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? रथ लिखेंगे ना, और बेटा पेंसिल से आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ओके। सेकंड नंबर डैश,
उसने भी ली अंगड़ाई फलों पत्तियों पेड़ों। किसने अंगड़ाई ली? पेड़ों। तो पेड़ों में हम टिक लगाएंगे, सा में टिक लगाएंगे पेड़ों में, और यहाँ पेड़ों भरेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? थर्ड नंबर, चिड़िया क्या करती हुई आई? आ कुकू चूचू चूचू, सा में टिक लगाइए चूचू करती। फोर्थ नंबर, बिस्तर पर कौन लेटा हुआ है? राजू मुन्ना पप्पू। कौन लेटा है? मुन्ना लेटा है। तो बा में टिक लगाइए बेटा। लगा दिया? ओके। फाइव नंबर, देर तक सोकर मुन्ना क्या खोता है? रुपए पैसे खाना पीना समय। समय टिक लगाइए समय। देर तक सोने पे सुंदर समय खोता है मुन्ना। खा, देखिए खा देख रहे हैं ना। कविता की छूटी हुई पंक्तियां सुनाइए लिखिए। सूरज अपने रथ पर आया चहुं ओर उजियारा लाया, पेड़ों ने भी ली अंगड़ाई मंद मंद चलती पुरवाई। देखिए मैंने आपको पढ़ के भी बताया है और जो अधूरी पंक्तियां हैं उनको पूरा भी किया है। ऐसे ही ये सेकंड वाले को आप पूरा करेंगे। देखिए सूरज अपने रथ पर आया दिख रहा है ना, ठीक। ये ऐसे आपको कंप्लीट करना है बेटा। ग नंबर, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण के, शुद्ध मतलब एकदम क्लियर, शुद्ध उच्चारण कीजिए। अंधियारा, मेरे साथ बोलेंगे आप, मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे सुन के। अंधियारा, अंगड़ाई, पुरवाई, मंद मंद, शीश महल, घर आंगन। घ नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये बेटा सारे प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। पीडीएफ से निकाल के आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, प्रश्न उत्तर लर्न करेंगे, कॉपी कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करेंगे, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ओके, ये भी देखिए क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ओके कि बेटा आप कंप्लीट करिएगा। अब है देखिए भाषा व्याकरण का, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। शब्द दिए हैं, ये रिक्त स्थानों को आपको भरना है, मतलब खाली जगह। जैसे सोना का सुलाया, पढ़ना का पढ़ाया, ये देखिए पढ़ाया लिखा है ना, इसी पढ़ाया को यहाँ लिखना है। बोला बुलाया, ये क्या लिखा है ना बुलाया, यहाँ आपको लिखना है। खाना खिलाया, हंसना हंसाया, बैठना बैठाया। ख नंबर, जोड़ कर लिखिए। अब देखिए इन शब्दों को जोड़ के लिखना है। स प्लस व प्लस ए की मात्रा प्लस रा प्लस आ की मात्रा, क्या हुआ सवेरा। देखिए अब देखिए ये सब जोड़ा गया है, सा लिखा है, व प्लस ए की मात्रा है, व पे ए की मात्रा लगाई तो सवे हुआ, रा प्लस आ की मात्रा, रा पे आ की मात्रा लगाई तो क्या हुआ रा सवेरा। ठीक, स वा पे ए की मात्रा र और आ की मात्रा क्या हुआ सवेरा। घा प्लस आ प्लस सा घास, घा प्लस आ, घा पे आ की मात्रा लगी तो क्या हुआ घा और सा लिखा तो क्या हुआ घास। मा प्लस ओ प्लस ता प्लस ई की मात्रा, ता पे ई की मात्रा लगी है ना प्लस ई तो क्या हुआ मोती। माँ पे ओ की मात्रा मो, ता पे ई की मात्रा ती मोती। द प्लस ऊ प्लस बा दूब, द पे दा में बड़े ऊ की मात्रा लगी तो क्या हुआ दू और बा लिखा ब दूब। स प्लस ऊ प्लस रा प्लस जा, सा में ऊ की मात्रा लगी सू र ज तो क्या हुआ सूरज। मा प्लस ओ प्लस रा, मा में ओ की मात्रा लगी मो और रा लिखा तो क्या हुआ मोर मोर। मा प्लस हा प्लस ला महल महल, सा प्लस ओ प्लस ना प्लस आ, सा पे ओ की मात्रा लगी तो क्या हुआ सो, ना में आ की मात्रा लगी ना सोना। ग, इन शब्दों में किन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हुआ है लिखिए। सूरज
तो सूरज में कौन सी मात्रा लगी है? बड़े ऊ की मात्रा लगी। तो यहाँ आप लिखेंगे बड़ा ऊ। देखिए मैंने लिखा ऐसे, आपको देख के लिखना है पेंसिल से। सवेरा, तो व में ए की मात्रा लगी तो यहाँ ए लिखेंगे, और रा में आ की मात्रा लगी तो आर बनाना है। तो आ की मात्रा लिखी है क्योंकि यहाँ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग करना है। ठीक। प में ए की मात्रा ए, पे पापे ए की मात्रा पेड़ है, पापे किसकी मात्रा ए, तो ए लिखेंगे। सोता, सा में ओ की मात्रा, ता में आ की मात्रा तो यहाँ ओ लिखेंगे, यहाँ आ लिखेंगे। हरी, रा में ई की मात्रा लगी तो क्या लिखेंगे, यहाँ ई लिखेंगे। लेता, ला में ए की मात्रा तो यहाँ लिखेंगे ए, और ता में आ की मात्रा तो लिखेंगे आ। शीश, शा में ई की मात्रा बड़ी ई लिखेंगे यहाँ। मोती, मा में ओ की मात्रा और ता में ई की मात्रा तो यहाँ लिखेंगे ओ और ई। अब देखिए घ नंबर रेखा खींचकर सुमेर कीजिए, मतलब मैच करना है। ये जो देखिए यहाँ शब्द लिखे और यहाँ पिक्चर बनी है, देख रहे ना पिक्चर। और सर हरी क्या है, तो हरी घास है। तो नंबर वन को घास से मैच करिए, हरी घास। सेकंड काला, तो ये क्या है, कोट बना है काला कोट, तो सेकंड नंबर को घास से मैच करिए ऐसे। थर्ड नंबर लाल, लाल क्या है, रोज बना है, फूल है ना, तो खा नंबर पे लाल बना है, तो थर्ड नंबर को खा से मैच करिए ऐसे जाइए। फोर्थ नंबर ऊंचा, पेड़ ऊंचा है ना, तो फोर्थ नंबर को का से मैच करिए ऐसे। समझ में आया? ऐसे आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और पेंसिल से करना है। अंगा, अर्थ लिखिए। जग माने संसार, यहाँ लिखेंगे संसार। दूर में हरी घास, दूर माने क्या होता है, हरी घास। अंधियारा, अंधेरा। उजियारा, उजाला। कौशल और योग्यता, या का होमवर्क या को करना है खुद। देखिए का नंबर है स्वस्थ रहने के लिए बालकों को क्या करना चाहिए, पता करके चार पंक्तियाँ लिखनी है। ये आपको लिखना है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना, चार लाइन केवल लिखनी है। 1 2 3 4 ओके बेटा। ख नंबर, प्रातः काल विद्यालय जाने से पहले सुमित निम्न क्रियाएं करता है, इन क्रियाओं के नाम लिखिए और बताइए। देखिए प्रातः काल सुमित मॉर्निंग सबसे उठ के पहले आप ब्रश मंजन करते हैं ना, फिर आप फ्रेश होकर नहाते हैं, तो पहले सुमित ने क्या किया, दांत साफ कर रहा है। यहाँ आप देखेंगे दांत साफ कर रहा है। सेकंड नंबर पे नहा रहा है, नहा रहा है ना सुमित, फिर बालों में कंघी कर रहा है, उसके बाद पूजा कर रहा है, फिर उसके बाद भोजन कर रहा है, और फिर तैयार होके स्कूल जा रहा है। ये आपको सपन है, या का होमवर्क आपको बेटा कंप्लीट करना। ओके, देखिए स्टूडेंट अभी हम लोगों ने हुआ सवेरा पोयम पढ़ी, उसकी एक्सरसाइज की। अब हम लोग कॉपी वर्क करेंगे, कठिन शब्द लिखेंगे ना, लेकिन पहले मैं बोलूँगी, पहले पढ़ाऊँगी आपको, आप वो कठिन शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद पीडीएफ से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे बेटा। मैं बोलूँगी, मेरे साथ आप बोलेंगे। सवेरा, सूरज, पेड़ों, अंगड़ाई। एक बार फिर से बोलते हैं हम लोग, सवेरा, सूरज, पेड़ों, अंगड़ाई। ओस, बूंदें, शीश महल। मोती, आंगन। क्यों, बिस्तर, तनिक, छोड़, हुआ। देखिए स्टूडेंट अभी हम लोगों ने हार्ड वर्ड पढ़े ना, कठिन शब्द, अब हम लोग पढ़ेंगे हुआ सवेरा के शब्द अर्थ। देखिए लिखा है ना शब्द अर्थ, पहले पढ़ेंगे फिर आप इसको पीडीएफ से निकाल के कॉपी में कंप्लीट करेंगे। मैं बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक।
देखिए शब्द लिखा है या अर्थ लिखा है। शब्द है जग, जग माने संसार। अंधियारा अंधेरा, चहु चारो, उजियारा उजाला। मंद धीरे, पुरवाई पूरब से चलने वाली हवा। दूर हरी घास, शीश कांच शीशा। तनिक जरा थोड़ा, कहते ना थोड़ा सा जरा सा। भोर सूर्योदय का समय। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने वर्ड मीनिंग हार्ड वर्ड पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे हुआ सवैरा के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही आपको हेडिंग डालनी है, कॉपी में लिखना है। सवेरा होने पर क्या दूर हो गया? आंसर, सवेरा होने पर अंधेरा दूर हो गया। लेकिन रात के बाद रात जाती है, सवेरा होता है तो अंधेरा चला जाता है। इस समय कहीं आपको अंधेरा दिख रहा है? अंधेरा खत्म हो गया, और सवेरा हो गया और अंधेरा रात का दूर हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन, सूरज के आने पर चारों ओर क्या छा गया? सूरज के आने पर चारों ओर उजाला छा गया। क्वेश्चन नंबर 3, सवेरे के समय पुरवाई कैसी चलती है? सवेरे के समय मंद मंद पुरवाई चल, सुबह अच्छी धीमी धीमी हवा चलती तो कितना अच्छा लगता है ना। 4th नंबर, हरी घास पर ओस की बूंदें कैसी लगती हैं? आंसर, हरी घास पर ओस की बूंदें मोती जैसे शीश महल पर लगती है, मोती जैसे शीश महल पर लगती है सुबह उसकी बूंदें। समझ में आ रहा है बेटा? आपको पोयम लर्न करनी है, हार्ड वर्ड वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर सब लर्न करना है, और कॉपी कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करिएगा, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। पोयम आपसे सुनूंगी मैं। थैंक यू क्लास।